खरगोन जिले के सेगांव में शासकीय बैंक के मैनेजर को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बैंक सहित अधीनस्थ संस्था आदिम जाति सेवा संस्था के कर्मचारियों को क्वारंटाइन करते हुए बैंक और संस्था को भी 5 दिनों के लिए सील कर दिया है, जिससे किसानों के सामने यूरिया खाद की समस्या खड़ी हो गई, जिस पर किसानों और जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और तहसीलदार से संपर्क करके खाद का वितरण शुरू किया। सहकारिता इंस्पेक्टर आर भट्ट ने बताया कि बैंक मैनेजर ने कोरोना पॉजिटिव होने पर जिला कलेक्टर और तहसीलदार के निर्देश पर गोलवाड़े संस्था के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर यूरिया खाद का वितरण कतार लगवा कर किया जा रहा है। अभी 320 बोरी यूरिया खाद संस्था के पास उपलब्ध है। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, ये यूरिया खाद के लिए क्या नई व्यवस्था की गई है? यूरिया खाद कल एक गाड़ी आई थी और बैंक के ब्रांच मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए संस्था की समिति और बैंक के सभी कर्मचारियों को सैंपलिंग ली गई, सभी होम क्वारंटाइन किए गए, इसलिए संस्था बंद थी। लेकिन शासन के निर्देश अनुसार यूरिया खाद का वितरण बाहर की सोसाइटी के कर्मचारियों को बुलाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है वितरण करने। क्या नाम लिखते हैं? आर भट्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।